दोस्तों, मरने से पहले रावण ने लक्ष्मण को बुलाकर ऐसा प्रश्न क्या पूछा जो खुद भगवान श्री राम और उनकी सेना हैरान हो गई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके आगे बहुत काम आने वाला है। जैसे कि बताया जाता है कि श्री राम का तीर रावण की नाभि को छूता है और रावण को तेजी से जमीन पर गिराता है और उनकी मृत्यु निकट देख कर राम लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजते हैं और लक्ष्मण को देखते ही रावण बोला कि क्या मैं तुमसे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। लक्ष्मण ने कहा कि पूछो। रावण बोला, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे बड़ा, महादेव का विशेष भक्त और वेदों का ज्ञाता, मैं खुद काल भी मेरे नीचे और मेरी सेना तुमसे विशाल। मेरी सेना में ऐसे दुर्धर थे जिन्हें देवता भी डरते थे, मेरे बेटे इंद्र को भी जीता था, वही तुम दो लोग मामूली वनवासी नंगे पैर मुझसे लड़ने आए और मेरी ही साम्राज्य में घुस मुझे पराजित कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर में हारे कैसे, मैं तुमसे किसी भी चीज़ में कम नहीं था। लक्ष्मण बोले, मुझे नहीं पता। तब रावण बोला कि मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि तुम चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन हूँ। मैं ऐसी जगह से गिरा हूँ जहाँ मेरा उठना नामुमकिन है, यही मेरा कारण था पराजय होने का सबसे बड़ा कारण। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले रावण को यह सिर्फ सच्ची करना पर पता था तो कम सेक्शन में जरूर बताएं। तो धरती छोड़ने से पहले श्री कृष्ण का छोड़ा हुआ सुदर्शन चक्र कहाँ रह गया था, चलिए दोस्तों जानते हैं। जैसे कि पता चलता है कि महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जो अपने स्वामी के आदेश पर छोड़ा जाता था और उसका आदेश पूरा करके ही वापस लौटता था। शिव पुराण के अनुसार बताया जाता है कि चक्र को महादेव शिव ने खुद बनाया था तथा संसार के संचालन के लिए सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को भेंट में दिया गया था और इसी सुदर्शन से भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 52 टुकड़े किए थे और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने इसी सुदर्शन से कई पापियों का संहार किया था। परंतु जब श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था, बताया जाता है कि उस समय में सुदर्शन चक्र भी धरती में समा गया था और भविष्य में कलयुग के अंत के लिए जब भगवान विष्णु व कल्कि अवतार होगा तब सुदर्शन चक्र को दोबारा ग्रहण करेंगे। तब कलयुग अपने भीषण और अंतिम चरण में होगा, तब सुदर्शन से ही कलयुग की अवतार उसका अंत करेगा। दोस्तों, क्या आपको उससे पहले सुदर्शन चक्र के बारे में पता था तो कम से कम जरूर बताएं।